And the third thing that we did was to understand that scale के बारे में, you know, one day action उससे कुछ निकलता नहीं. लोग इकट्ठे हो गए, धरना दे दिया, चले गए शाम को, सवेरे आए शाम को चले गए. सरकार कहेगा पानी का टैंकर भेज दो, पानी पिला दो, ठीक है, नहीं तो पेटिशन ले. ये वन डे एक्शन से कुछ भी नहीं बदलता. ये सब लोग कर रहे हैं, एक दिन के लिए पुणे आ रहे हैं, एक दिन के लिए बम्बे जा रहे हैं, एक दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं, सवेरे उधर है शाम को घर वापस. हमें समझ में आया कि ये वन डे एक्शन से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है. दे विल फैसिलिटेट दैट प्रोसेस. कुछ ऐसे करना चाहिए जो जो लंबे समय तक चलने वाला और उनको निरंतर परेशानी महसूस करना चाहिए. इसलिए 2007 में और 2012 में आपने देखा कि लोग ग्वालियर से शुरू करता है और फिर जब नेशनल हाईवे में चढ़ जाते तो टेक्स वन मंथ टू रीच दिल्ली. ये 30 दिन की यात्रा, 307 किलोमीटर, तो 10 दिन लगता है गर्म होने में, माहौल गर्म होने में 10 दिन लगता है क्योंकि मीडिया लिखने लगता है वगैरह. तो व्हाट आई अंडरस्टैंड इज वन डे एक्शन से आगे जाने का टाइम आ गया. व्हाट एवर वी डू दैट शुड बी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम so that you can draw the attention of not only the government but also international actors and international institutions and solidarity organizations, etc., and do it in a way that by the time you reach, the government is forced to act. तो अभी तो design हुआ है, लेकिन अगला जो design है उसमें, when I say 1 million will walk, वो 1 million walk के साथ साथ एक group दिल्ली से जेनीवा के लिए चलेंगे. एंड सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली राजघाट ऑन 2nd of October 2019. तो 15 महीना लगेगा वहाँ पहुँचने में, कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 8,000 किलोमीटर्स. उस बीच में अगर ग्लोबली अगर बहुत सारे एक्शन हो सकता है जिसके लिए प्रयास किया जा रहा है, फिर पीपल कैन एक्ट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड to force WTO, IMF, World Bank and United Nations to think differently. That what is that development model that will create a society with justice and ethics? See, a development model without ethics and justice that is being promoted by all these institutions 24 hours a day, that need to be challenged. Wo chote chote actions hoga nahi, that should be a global action. And that global action should be millions of people standing up and walking toward in different parts of the world. तो अभी जो अगला action के पीछे जो सोच है वो है, तो we were slowly inventing how and और उसके पीछे अभी इस बार है कि 665 जिलों में 500 लोगों को कैसे तैयार किया जा सकता, so that we have sensitive, committed young people to take up the issue, a new generation leadership. इस देश में उभरने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी तो है हम सब लोग, लेकिन न्यू जनरेशन लीडरशिप नहीं है जिस संख्या में चाहिए, हु विल थिंक डिफरेंटली, एक्ट डिफरेंटली टू चेंज द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड.